पता नहीं कैसे कैसे गाड़ी चला रखी है, दो गाड़ियां हैं ये, दोनों ठुकी हुई, ढंग से एक्सीडेंट हो रहा है, बहुत तगड़ा वाला। हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। आज मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ, मतलब इतना जल्दी मैं उठती नहीं हूँ कभी, आज उठ गई हूँ क्योंकि ये जा रहे हैं, देखो रेडी हो रहे हैं, जो शूज पहन रहे हैं, तो अभी बस निकलने वाले हैं कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम में देखो रहे देखो इधर उधर घूम रहे हैं कि अब मैं निकलूँ, कुछ छूटा तो नहीं है मेरा सामान, तो बस ये निकलेंगे अभी, फिर काम करूँगी कुछ सब, बस बस अभी जा रहे हैं, निकल रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है फिर आ भी जाना जल्दी, अभी जा रहे हैं, इनको छोड़ के आते हैं, फिर बात करेंगे आपसे। मुझे उसमें से वो देना पानी की बॉटल। गाइस ये चले गए हैं, इतने दूर से बैक किए कि मैं बाय भी नहीं बोल पाई। चलो अपने रूम पे जाते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, अब हम निकल चुके हैं चंद्र नगर से, अब देखते हैं कितनी देर में पहुंचेंगे। अभी मैंने गसमनी पार कर दिया है, मौसम यहाँ पर बहुत ठंडा हो रहा है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड तभी था, वैसे यहाँ 0 तक या -1 तक था, रात को बारिश पड़ गई थी, बर्फ बर्फ भी गिर चुकी है आगे। अब ऐसे ही चलते रहो, अकेले गाड़ी में कोई है नहीं, अब मैं ही पहुंचेंगे भाई अपने मजे में, सुनते सुनते गाने गुने सुनते हुए, तो बने रहिए। आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेकिंग चल रही है क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है और इलेक्शन का वैसी टाइम है, तो पुलिस ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा दिखा रही है, यहाँ से आने वालों की चेकिंग बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा 3-4 जगह चेक पोस्ट है, तो हर जगह इन्होंने चेकिंग लगा रखी है, गाड़ी रुक रुक के चेक कर रहे हैं, वैसे तो यहाँ जाने वालों को कोई चेक नहीं कर रहा। अभी रुद्रप्रयाग तो पार कर दिया था, बहुत टाइम हो गया है रुद्रप्रयाग पार करे हुए, 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, अब मैं तो आराम से चल रहा हूँ, एवरेज मेंटेन करके चल रहा हूँ, अब इसका पता नहीं स्कॉर्पियो कितना एवरेज आता है, मैं तो आज से निकालूंगा किसी दिन, वो भी अपलोड करूँगा कि कितना एवरेज है टैंक टू टैंक, पर इतना टाइम मिल नहीं पाता कि भाई एवरेज निकालो वो निकालो, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है गाड़ी तेज भी चलानी पड़ती है, तो कभी कभार तो एवरेज का कोई मतलब बनता नहीं। फिर अभी मुझे ज़्यादा लग रहा 12 या 13 का एवरेज जीरी हो गई है लगभग, वैसे तो कहने को ये ऑल वेदर रोड है, बढ़िया रोड है, बीच बीच में अच्छी रोड है, पर ऑल वेदर रोड का मतलब ये भी है कि हर वेदर में टुट्टी भी मिलेगी, बीच बीच में बहुत ज़्यादा खराब रास्ता हो रखा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, जब सारे काम अपने आप करने पड़ेंगे, ये अपने जॉब पर निकल गई, अब पता नहीं कब आना होगा इसका, कपड़े भी एक बार धोने के लिए रखने पड़ेंगे, ये घर पे भी थोड़े बहुत कपड़े रखे हुए हैं, ये छोड़ के जा रखिए थोड़ा बहुत काम, पर एक थोड़े दिन के लिए शांति से रहेंगे, शांति से। जैसे ये खोखला हो रखा, पूरा पहाड़ खोखला हो रखा, ये लैंडस्लाइड हो रखी थी यहाँ, ये रास्ता भी मैं आया था मैं बीच में, तो अच्छा था, अच्छा हो रखा था, पर ये अब तो बहुत बुरा हाल हो रखा है इसका। पर एक चीज है यहाँ पर, संतरे और माल्टे
वो बहुत वो है मजेदार, अच्छे भी हैं। जो बाहर देहरादून में मिल रहे हैं वो तो बेकार से लगते हैं, यहाँ पर अच्छे लगे। कल खाए मैंने, बढ़िया। तो तलाटी पार कर रहा हूँ मैं अब, ऐसा तो ठीक ठाक है। इसका भी कुछ भरोसा नहीं भाई, कब टपक जाएगी अभी। हाँ पता नहीं कैसे कैसे गाड़ी चला रही है, दो गाड़ियां हैं ये, दोनों ठुकी हुई, ढंग से एक्सीडेंट हो। इस वाले रास्ते पर लोग बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, ओवरटेक भी करेंगे सामने, चाहे गाड़ी आ भी दी ना तब भी अपनी लेन में डालेंगे सीधा, वो हटाएगा या ये हटाएगा, वो आपस में ऐसे ठुकेंगे।